चुनाव, चुनाव प्रचार और अटकलें। भारतीय सियासत के इन तीन शब्दों के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। करीब तीन महीने के चुनाव प्रचार अभियान और कोरोना काल के बीच पश्चिम बंगाल की सत्ता में एक बार फिर ममता बंदोपाध्याय का उदय काल शुरू हो गया। 200 से अधिक सीटों पर अपने ताबड़तोड़ प्रचार अभियान के बल पर जीत हासिल करने वाली ममता बनर्जी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, उसे उस चुनावी अभियान से समझना होगा जिसमें ममता बनर्जी ने पैर में चोट लगे होने के बावजूद भी व्हीलचेयर पर बैठकर प्रचार किया। बीते 10 वर्षों से बंगाल की सत्ता की सिरमौर बनी रही ममता बनर्जी इस बार फिर प्रदेश की सीएम बनने जा रही है। ममता की यह सफलता उस सियासी सफर की मेहनत का प्रतिफल है जिसकी शुरुआत 90 के दशक में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वक्त में हुई थी। 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के एक सामान्य परिवार में जन्मी ममता बनर्जी 2011 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी थी। उस दौर में जब ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली तो मात दी एक ऐसे दल को जिसने बंगाल में 34 वर्षों तक सत्ता का राज उत्कर्ष देखा था। अगर निजी जीवन की बात करें तो कलकत्ता में जन्म के बाद ममता बनर्जी ने यहीं पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा ली। 9 साल की उम्र में ममता बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी का निधन हो गया। इसके बाद ममता ने कोलकाता के जोगो माया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद उन्होंने एक लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी ली। 70 के दशक में सिर्फ 15 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 1975 में ममता बनर्जी ने एक पदाधिकारी के रूप में अपना काम संभाला और पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुई। इसके बाद 1978 में वो कलकत्ता दक्षिण की जिला कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी बनी। 1984 में ममता बनर्जी को पहली बार लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया और ये टिकट कांग्रेस पार्टी से मिला जिसके कोर में राजीव गांधी थे। राजीव गांधी से ममता बनर्जी का संबंध कुछ ऐसा था कि राजीव गांधी के बंगाल दौरों के दौरान ममता बनर्जी अक्सर उनके पीछे खड़ी हुई दिखाई देती थी। 1984 में राजीव गांधी ने ही ममता बनर्जी को टिकट दिया और उसके बाद वो दक्षिण कोलकाता जो कि तत्कालीन कलकत्ता सीट थी उससे सांसद चुनी गई। इसके बाद 1991 में वो दोबारा लोकसभा की सांसद बनी और इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया। 1996 में ममता बनर्जी एक बार फिर सांसद बनी, लेकिन 1997 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। पार्टी गठन के शुरुआती दिनों में ममता बनर्जी बीजेपी के सबसे बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी की काफी करीबी रही। कहा जाता है कि अटल जी के आशीर्वाद से ही तृणमूल कांग्रेस का गठन भी हुआ था। इसके बाद ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री के रूप में काम किया और साल 2002 में रेलवे के नवीनीकरण की दिशा में कई बड़े फैसले भी लिए। ममता बनर्जी को उस रेल मंत्री के रूप में जाना जाता है जिसने अपने कार्यकाल में कई फैसले लिए, एक्सप्रेस ट्रेनों की सर्विसेज बढ़ाई और IRCTC जैसे निकायों का गठन भी किया। केंद्र की सत्ता में एक लंबे वक्त तक काम करने के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और इसके बाद 2005 में वामपंथी सरकार के भूमि अधिग्रहण फैसले का विरोध शुरू हुआ। इस आंदोलन के दौरान सिंगूर और नंदीग्राम के हिस्सों में ममता बनर्जी ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आंदोलन किए। आंदोलन कितने आक्रामक थे उसे सिर्फ इस बात से समझना होगा कि केंद्र सरकार के तमाम लोगों से लेकर राज्य के तमाम नेता ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े दिखाई दिए। भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध का असर और व्यापक जन समर्थन को देखते हुए ममता बनर्जी ने एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में 2011 के विधानसभा चुनावों को लड़ने का फैसला किया और पश्चिम बंगाल में 34 साल से सत्ता में काबिज वामपंथी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी शुरू की। अपनी पार्टी के गठन के सिर्फ 13 साल के बाद पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार को हराकर ममता बनर्जी साल 2011 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी। इस चुनाव में ममता बनर्जी को 184 असेंबली सीट्स पर विजय मिली। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बावजूद ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री बनना पश्चिम बंगाल की सियासत में किसी करिश्मे से कम नहीं था। साल 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से कड़ी टक्कर मिली। देश के करिश्माई नतीजों के बावजूद बीजेपी को बंगाल में कोई खास सफलता नहीं मिली और कांग्रेस जैसे बड़े दल की अपेक्षा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 42 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल की। इसके बाद 2016 में ममता बनर्जी दोबारा सीएम बनी और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी ममता बनर्जी का दल पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा।
42 सीटों पर हुए चुनाव में ममता बनर्जी ने सबसे बड़े दल के रूप में कुल 22 सीटों पर विजय हासिल की, वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी को 18 सीटें मिली। 18 सीटों पर मिली इस विजय को लेकर ही बीजेपी काफी उत्साहित दिखी और उसने ऐलान किया कि अब वो 2021 में बंगाल की विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी। बीजेपी 2019 की विजय के आधार पर ही ममता बनर्जी को पटखनी देने के प्लान में थी, लेकिन ईवीएम के वोटों की गणना ने इस बार सत्ता के ध्रुव पलट दिए और बंगाल में इस बार फिर ममता बनर्जी का अश्वमेध यज्ञ कामयाब हो। कभी राजीव गांधी के पीछे एक आम कार्यकर्ता की तरह खड़ी ममता बनर्जी की पहचान देश के उन मुख्यमंत्रियों में है जो अपने आक्रामक रवैये और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ममता बनर्जी विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा है। नरेंद्र मोदी की एक कट्टर विरोधी के रूप में उनकी पहचान देश में कहीं नहीं छिपी। साल 1998 में अटल जी के परोक्ष आशीर्वाद के बाद बनी टीएमसी इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाई है। बंगाल की सत्ता में इस बार ममता बनर्जी का कब्जा हुआ है। ममता बनर्जी की इस व्यापक जीत के आधार में उनकी राजनीतिक यात्रा है वो संघर्ष जो उन्होंने वामपंथी सरकारों के साथ किया, वो सटीक रणनीति जिसके पीछे प्रशांत किशोर खड़े थे और वो आक्रामक अंदाज जिसने उन्हें मोदी के सामने एक बड़े विपक्षी नेता के रूप में प्रशस्त किया और बंगाल की सत्ता पर काबिज भी।